भाजपा जन आक्रोश रैली में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अनुराग ठाकुर के परवाणू पहुंचने से पहले ही भारी संख्या में लोग उनके इंतजार में खड़े रहे व उनके स्वागत के लिए नारे लगाते नजर आए। उनके परवाणू पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। हालांकि भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर बारिश में भी लोग अपने नेता के लिए खड़े रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने मंत्री अनुराग ठाकुर के स्वागत के साथ की। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुराग ठाकुर को केंद्रीय मंत्री बनाने पर आभार व्यक्त करते हुए भाजपा के कार्यों व आगामी नीतियों के बारे में बताया। इस अवसर पर अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के युवाओं के लिए खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे वे नशे से दूर रह सकें व देश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि इतनी बारिश के बावजूद जो जनता टस से मस नहीं हुई, ये सीधा संदेश है कि हमारी सरकार एक बार फिर चुनकर आएगी। अनुराग ने कहा कि जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से हम जनता का आशीर्वाद लेकर आने वाले उपचुनाव में भारी बहुमत प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप, पुरुषोत्तम गुलेरिया, परमजीत सिंह पम्मी, केएल ठाकुर, महिला आयोग अध्यक्ष डेजी ठाकुर, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष रश्मिधर सूद व अन्य लोग मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तो आप सबका, जिला सोलन के कार्यकर्ताओं का, जिला सिरमौर के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणू में मुझे आशीर्वाद देने लिया था, किसी समय निकाल कर आप आशीर्वाद देने आए, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पता है बारिश का मौका, सबको पता था बारिश आ सकती है, लेकिन आप आशीर्वाद देने आए और मैं भी इसीलिए सुबह की फ्लाइट का इंतजार नहीं किया, रात को ही सड़क से चलकर समय से आपके बीच में आया हूँ ताकि आपसे मिल सके। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए परवाणू से विकास शर्मा की रिपोर्ट।